हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि फिजिकल एजुकेशन बिहार या स्टेट का एग्जाम परसों 9 तारीख शनिवार को है और आपके पास बहुत कम टाइम है, लास्ट में आप फटाफट से रिवीजन कीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट मेरे पास है, 10 प्रैक्टिस सेट मैं जस्ट आपको करवा देती हूँ। इसमें मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ओनली आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और मैं केवल क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो दोस्तों, फटाफट से चलिए रिवीजन करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यहाँ पे कौन है? यकृत है। याद रखिएगा, वहाँ त्वचा रहेगा तो त्वचा आपका सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है तो यकृत हो जाएगा। उसमें अगर त्वचा रहेगा, ऐसा पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खाद और रसोई की स्वच्छता के संदर्भ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे बड़ा बात यही रखना चाहिए कि भोजन प्रदूषित ना हो, ठीक। एंड नेक्स्ट है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो फोर्टियस का क्या अर्थ है? जैसा कि जानते हैं, ओलंपिक का आदर्श वाक्य हेनरी डिडा ने दिया था और 3 आदर्श वाक्य हैं, सीटियस, आरटियस, फोर्टियस, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, और तेज, और ऊंचा, और बसाई। तो फोर्टियस का अर्थ क्या होगा? और अधिक बलवान। एक नया शब्द जुड़ गया है, टुगेदर, याद रखिएगा, जिसका अर्थ है एक साथ चलना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है? तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिश पर दिया जाता है? फटाफट से आंसर कीजिए। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के द्वारा, ठीक है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से जो जिसे हेपेटाइटिस भी कहते हैं, इसे यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। याद रखिएगा, लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांगों की सफाई के संदर्भ में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों, आपका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सफेद पानी निकलने पर डॉक्टरी सलाह, महिला जनना पर पैर का प्रयोग कपड़े के रूप में हर दिन कम से कम 2 बार नैपकिन बदलना चाहिए। उपरोक्त सभी आपका राइट होगा, चौथा ऑप्शन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से रिविजन कीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है 100-100 क्वेश्चन का, तो 500 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं फटाफट से, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप सबको पता है, विटामिन बी की कमी से। एंड BCG का टीका किस रोग के छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? दोस्तों, BCG का टीका जो है क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, TB के लिए लगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज, यह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से स्थापित होता है, पैंक्रियाज की बीटा कोशिका से। नेक्स्ट है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए वाला ग्रुप ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है, क्योंकि ओ है सर्वग्राही और ए भी सर्वदाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आसन नंबर बी, यहाँ पे 2 आपका राइट होगा, ए तथा ओ ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो यह विषाणु HIV के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, रबर शब्द जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूपंचर क्या है? तो एक्यूपंचर जो है चीन की एक चिकित्सा पद्धति है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो मीटर में 90 से 120 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 91 से 120, क्या हो जाएगा, 91 से 120। गज में कहें, मीटर में 90 से 120 और गज में 100 से 130 गज हो जाएगा। इसकी चौड़ाई होती है 45 से 90 मीटर और गज में 50 से 100 गज, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, कि वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 30x20 होती है, जबकि हैंडबॉल में 40x20 होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है? तो हमारे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से 3 एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज प्रोटीन वसा को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदलता है। तो यहाँ एमाइलेज जो है ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बदलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, बट आंसर शीट में यहाँ पे गलत आंसर दिया था, 1 दिया था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उबेर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उबेर कप थॉमस कप दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप जो है बैडमिंटन महिला से संबंधित है, जबकि थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष से संबंधित है। याद रखिएगा, मैंने कई बार आपको रिविजन कराया है। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार कब पदक जीता था? तो आपको याद है, सही आंसर टिक कर दिए होंगे, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में केरी जाधव जी ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। एंड मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ जो है 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन? 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुआ था। जबकि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ है? 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, इसका विजेता है ऑस्ट्रेलिया। एंड 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट करेंट अफेयर्स के मकसद से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? तो बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि जो है वो होती है 3 मिनट की। 3 मिनट के 3-3 राउंड होते हैं, याद रखिएगा। महिलाओं के लिए 2-2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा था? तो जीवाणु को खेल बैक्टीरिया की खोज ही किया था 1665 में एंटन वन लुईवेक हाक ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो कुल 639 मांसपेशियां होती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं, रेखित अरेखित और हृदय पेशियां, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है थ्योरी सेशन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई थी? तो NSIS पटियाला की स्थापना 7 मई 1961 को हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनोरंजन के साधन क्या है? वाद विवाद, लोक नृत्य, खेल, ये सभी है आपके मनोरंजन के साधन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भाग में डिवाइड किया गया, याद रखिएगा। ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट वसा, शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन, एंड शरीर की रक्षा करने वाले विटामिन खनिज लवण। यहाँ पे कौन ऊर्जा नहीं देगा? विटामिन, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, वह एशियाई खेल जिसमें पीटी उषा 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़नपरी कहलाई थी, तो कौन सा एशियाई खेल था दोस्तों? वो था 1986 का एशियाई खेल, ठीक है। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी संबंधित हैं, तो ये अर्जेंटीना से संबंधित हैं, जिन्हें इस बार 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार से नवाजा गया है 67 प्रदर्शन के लिए, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रकेमोर किस खेल से संबंधित, किस रोग से संबंधित है? किस आँख के रोग से, ठीक है, आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो यह 18वीं शताब्दी में मानी जाती है, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे 1882 में शारीरिक शिक्षा को मान्यता दिया, याद रखिएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या क्या नाम है? तो गोल है, उन्होंने गोल आत्मकथा लिखा है। एंड नेक्स्ट है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच की कितनी दूरी होती है? 4 गज यानी कि 3.66 मीटर होती है गोल पोस्ट की दूरी यानी चौड़ाई, और उसकी ऊंचाई 7 फुट होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया? तो स्क्वैश खेल जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में खेला गया। एंड नेक्स्ट है, रेबीज तथा या हाइड्रोफोबिया रोग, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह वायरस के द्वारा फैलता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा, रेबडो वायरस के द्वारा फैलता है रेबीज। और रेबीज हमारे तंत्रिका तंत्र, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय आदि को खत्म कर देता है। यह इससे पानी से डर लगता है, श्वास लेने परेशानी आदि चीजें होती हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजित हुआ? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोहा कतर में आयोजित किया गया है। कहाँ? दोहा कतर में, जिसका विजेता है अर्जेंटीना, याद रखिएगा, अर्जेंटीना विजेता है। 23वां फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होगा 2026 का संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में। और फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुआ था 23 जुलाई 1930 उरुग्वे की राजधानी माउंट वीडियो में, याद रखिएगा इतना। एंड फटाफट से आपको गोल्डन बाल पुरस्कार मिला है 2022 में लियोनेल मेसी को।
एंड गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाबो को मिला है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों आप सबको पता है, करंट अफेयर्स के व्यू से पीटी उषा जी बनी है, ठीक है। इससे पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सबको पता है आइस हॉकी, यानी बर्फ पर हॉकी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? ये टेबल टेनिस से संबंधित है, बट किससे, महिला से कि पुरुष से, किससे संबंधित है आपको पता है? तो यह संबंधित है आपका विश्व टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। स्वेटलिंग कप किससे संबंधित है? विश्व टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है। नेक्स्ट, मानव में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं, जोड़ा भी नहीं पूछेगा, ऐसा संख्या पूछेगा तो 46 होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सबको पता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो वो तैराकी से संबंधित है। तैराकी की 4 शैलियां मेन रूप से होती है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई एंड एक और होती है फ्री स्टाइल। अच्छा, सबसे तेज अवसार होता है आपका फ्री स्टाइल का, याद रखिएगा। उसके बाद बटरफ्लाई का, फिर बैक स्ट्रोक का, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक का, ठीक। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस निम्नलिखित में से किस रोग से के लिए जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस यानी पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है, और इससे प्रभावित होता है हमारा यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाला तत्व वंशानुक्रम, वातावरण दोनों होता है, याद रखिएगा, हमेशा यही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? दोस्तों डेंगू जो है विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो दोनों याद रखिएगा। डेंगू जो है विषाणु के कारण होता है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार, बैकबोन फीवर कहते हैं, और वो वायरस के द्वारा फैलता है, और यह एडीज़ एडीज़ मच्छर के काटने से फैलता है। एंड इसमें जो है आपका प्लेटलेट्स खत्म हो जाता है शरीर से। नेक्स्ट है, टाइफाइड नामक जीवाणु होता है? तो टाइफाइड नामक जीवाणु, यह दोस्तों यह बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड यानी कि टाइफाइड को हम यादी बुखार, मोतीझरा, आंधा जहर भी कहते हैं, या साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से फैलता है। तो यहाँ पे साल्मोनेला आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियाँ कहाँ हो जाती है? हमारे जबड़े में होती है सर्वाधिक शक्तिशाली मसेटर मसल्स, ठीक है। एंड सर्वाधिक लंबी मसल्स हमारे सार्टोरियस जांग की, सर्वाधिक बड़ी मसल्स हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस हिप की, ठीक है। एंड नेक्स्ट, वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है और घटाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मोटिवेशन यानी प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? दोस्तों वो है मोहन बागान। नेक्स्ट दोस्तों, चीनिया बीमारी क्या पर्याय है? चीनिया यानी कि जिसे हम कहते हैं मधुमेह रोग, ग्लूकोज यानी कि रक्त शर्करा बीमारी भी कहते हैं, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, यह इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा निम्न में से किससे विशेष रूप से संबंधित है? तो यह 400 मीटर बाधा दौड़ से विशेष रूप से संबंधित है, याद रखिएगा पीटी उषा जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूटता है? तो प्रोटीन अंतिम रूप से अमीनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, और वसा जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन में टूटता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद इनके कारण होता है? तो व्यक्तिगत भेद किनके कारण होता है? वंशानुक्रम, वातावरण के कारण, दोनों याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? दोस्तों तो यहाँ पे अनुवांशिकता भी हो जाएगा, आहार भी अच्छा करेंगे अच्छा वृद्धि होगा, व्यायाम करेंगे और मसल्स बिल्ड होगा, तो उपरोक्त सभी आसन यहाँ पे राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो प्लेग जो है बैक्टीरिया के कारण होती है। प्लेग किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, पास्टुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है प्लेग, और जो हमारे आरबीसी को खत्म करता है, इसमें तीव्र ज्वर आता है, यह हमारे कुत्ता के काटने से होता है, चूहे के काटने से होता है, सॉरी किसके काटने से होता है? चूहे के काटने से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? दोस्तों तो वह ब्रिक के किडनी के रोगी को रखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामेल हार्स किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। जिम्नास्टिक के पुरुषों के लिए 6 प्रतिस्पर्धा और महिला के लिए 4 होती है, जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है गजेट डेलो स्पोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, तो आप आंसर दे लिए होंगे अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। दो तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक, यदि पहले का ज्ञान आपको नए कार्य में सहायता कर रहा है सीखने में तो सकारात्मक है, बाधा पहुंचा रहा है तो नकारात्मक है, न बाधा पहुंचा रहा है न सहायता कर रहा है तो शून्यात्मक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, यहाँ पे मीजल्स, छोटी चेचक, पीलिया, ये सभी वायरस से फैलते हैं, बट निमोनिया जो है आपका फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा। निमोनिया किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा, डिप्लोकोकस निमोनी से फैलता है निमोनिया। एंड फेफड़ों श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ज्वर होता है, सांस में पीड़ा, बेहोशी आदि इसके लक्षण हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है, तो दोस्तों हस्तलेखन कक्षा वातावरण में आप क्या कर सकते हैं, न खेल सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर हस्तलेखन ज़्यादा परफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है दोस्तों, तो पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है, तो नवजात शिशु को BCG का टीका जो है वो जन्म के 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सारी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधि है दोस्तों, तो मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि, ये सभी शारीरिक शिक्षा की विधियाँ हैं, ये सभी शारीरिक शिक्षा की क्या हैं, विधियाँ हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में शुरू करने का श्रेय जाता है, तो आप सबको पता है बैरन पीरेडी कोबर्टिन 1896 ईस्वी में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरुआत किया था, आधुनिक ओलंपिक खेल के पितामह कहा जाते हैं। और इन्होंने ही 23 जून 1894 में IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु कौन सा कार्ड दिखाया जाता है, तो पीला कार्ड दिखाया जाता है, कौन सा कार्ड दिखाया जाता है, पीला कार्ड दिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के विजय सिंह गोल्फ की एक बड़ी चैंपियनशिप को जीतकर प्रसिद्ध हुए, वो कहाँ के रहने वाले थे, फिजी के। नेक्स्ट दोस्तों, ग्वाइडर या घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आप सबको पता है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना परसेंट होता है, जैसा कि हमारे शरीर में रक्त दो प्रकार का होता है, रक्त कणिका और प्लाज्मा, प्लाज्मा 55 से 60% होता है, 40 से 45% हमारा रक्त कणिका होता है, जिसमें 3 भाग होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC जो होता है समस्त रुधिराणु का, 99% भाग होता है, कितना होता है, समस्त रुधिराणु का यह 99% भाग होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेपस अस्थि शरीर के किस भाग में होती है, तो मीलस एंड इनिकस स्टेपस, ये तीनों हड्डियाँ होती है कान की, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है स्टेपस कान की, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क हॉर्स के नाम से विख्यात क्रिकेट टीम कौन सा है, वो है श्रीलंका की टीम, जिसे डार्क हॉर्स बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना परसेंट यकृत को प्राप्त होता है, यकृत हमारा शरीर में सबसे ज़्यादा काम करता है इसलिए उसको प्राप्त होता है, कितना परसेंट, 28%, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है, तो 17% होता है हमारे मानव शरीर की बनावट में, जबकि 55 से 60% हमारा कार्बोहाइड्रेट का होता है और 25 से 30% हमारा वसा का होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCC की स्थापना कब किया गया था, तो नेशनल कैडेट क्रॉप्स NCC की स्थापना 1948 को किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमिलित करना, आसानी से सुमिलित कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, आप सबको पता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से एनीमिया होता है, तो ये आपका मिलान हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयलक्ष्मी ट्रॉफी दी जाती है, तो जयलक्ष्मी ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है दोस्तों, यह महिला टेबल टेनिस के लिए दिया जाता है, जयलक्ष्मी ट्रॉफी किसके लिए, महिला टेबल टेनिस के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे सर्वाधिक, सभी गैसों में सर्वाधिक मात्रा प्रकृति में होता है 78% नाइट्रोजन गैस की, 21% ऑक्सीजन गैस की, 0.03% होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका बच्चों के किन किन बीमारियों के बचाने के लिए दिया गया था? डीपीटी, जिसको हम आप याद कर सकते हैं, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस यानी काली खांसी, टी से टिटनेस यानी आंसर नंबर 4 यहां पे राइट हो जाएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डीपीटी का टीका लगाया जाता है तीनों के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल जाते हैं? तो आप सबको पता है 20 दांत निकल जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है तो यहाँ पे कम होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा कि बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का बराबर हिस्सा होता है। ठीक है, दोनों आपके उसके विकास में आवश्यक हैं, बराबर बराबर 50%, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता और वातावरण परस्पर क्या है? संबंधित है, विरोधी नहीं है, ना आश्रित है, विवादित है, क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, दोनों के बिना मानव का विकास नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक लड़कियों के व्यक्तिगत अधिकारों में अड़ जाता है? तो पारिवारिक मान्यता आता है, परिवार आता है, लिंगी अंतर आता है, ये सभी चीजें लड़कियों के व्यक्तिगत अधिकारों या विकास में बाधक है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोहलबर्ग के थ्योरी ऑफ सोशल मोरल में सुखित चरण नहीं है? तो संरक्षित है, पदानुक्रमिक है, सार्वभौमिक है, बट कौन नहीं है? तो गुणात्मक समानता नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, फटाफट आपके पास भी टाइम नहीं है। निम्न में से किसे अनुभूति का कारक नहीं माना जाता है? तो दोस्तों भय से अनुभूति होता है, भय का, क्रोध से, क्रोध का, एंड भूख से, भूख का, बट पीछे हटना कोई अनुभूति नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक को एकाग्र होना चाहिए किसके प्रति? शिक्षा विधियों के प्रति, पढ़ाए जा रहे विषय के प्रति, छात्र और उनके व्यवहार के प्रति, इन सभी के प्रति आपका एकाग्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक सामग्री नहीं है? तो कौन नहीं है यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक सामग्री? तो अनुमानित है आपका ट्रांसपेरेंसी, ईपीडियास्कोप, स्लाइड है, बट चित्र आपका नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी क्यों जरूरी है? तो यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो क्या उद्देश्य हैं किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के? तो बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। यहाँ पे दोनों दोस्तों सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा, स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना, ये भी है, और बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना है। उपरोक्त दोनों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यौन शिक्षा के संबंध समय कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो यौन संचारित रोग, अभिविन्यास, गर्भपात, इन तीनों की शिक्षा देना चाहिए, उपरोक्त सभी आपका राइट है, 4 ऑप्शन नंबर 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने यौन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? इसका आपका 2007 में किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र के किस बिंदु पर एक महिला सबसे अधिक फर्टाइल होती है? तो वो होती है 1 से 5 दिन के अंदर, आप सबको पता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के बाद के चरणों में प्रोजेस्टेरोन का प्राथमिक स्रोत होता है? तो वह होता है गर्भनाल। तो दोस्तों ये था आपका 100 क्वेश्चंस, एक क्या कहते हैं प्रैक्टिस 1 में। इसी तरह आपके 9 प्रैक्टिस सेट अभी मॉडल प्रैक्टिस सेट और आएंगे, तो फटाफट से रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।